Hello friends, today we'll talk about Samuel Taylor Coleridge and he was the second writer of Romantic Age. इससे पहले हमने William Wordsworth 3 वीडियोस में कंप्लीट किए थे. आज हम स्टार्ट करते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज. विलियम वर्ड्सवर्थ के अच्छे दोस्त थे एंड दैट लाइफ पीरियड इज 1772 टू 1834. लेट अस डिस्कस अबाउट द सैमुअल टेलर कॉलरिज लाइफ. तो ये ही रीड बाइबल एट द एज ऑफ 5. वो बाइबल पढ़ते थे एट द एज ऑफ 5 एंड ही रीड अरेबियन नाइट्स इन हिज चाइल्डहुड. ही यूज टू रीड इट एवरी नाइट. वो अरेबियन नाइट्स पढ़ के सोते थे हर रात. एंड कॉलरिज ज्वाइन ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग हिज यंग एज एंड ही ज्वाइन विथ ए फेक नेम रॉयल ड्रैगन. वो रॉयल ड्रैगन के फेक नेम से उन्होंने आर्मी ज्वाइन करी थी. ही मेट चार्ल्स लैम इन चैरिटी स्कूल. वो चार्ल्स लैम से मिले थे चैरिटी स्कूल में. एंड ही रोट एन एसे अबाउट चार्ल्स लैम. उन्होंने चार्ल्स लैम के ऊपर एक एसे भी लिखा था जिसका नाम था क्रिस्ट हॉस्पिटल 5 and 50 years ago. क्रिस्ट हॉस्पिटल 5 and 50 years ago. तो आपको ये याद रखना है. देन ही मेट रॉबर्ट साउथे एंड बोथ डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू क्रिएट एन यूटोपियन सोसाइटी. तो रॉबर्ट साउथी से मिले, दोनों ने डिसाइड किया कि हम एक यूटोपियन सोसाइटी क्रिएट करेंगे, बनाएंगे. यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है? राम राज्य, बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट, बिल्कुल शांति, सब कुछ इक्वल्स. वो उसको बोलते हैं यूटोपियन सोसाइटी. तो उन्होंने सोचा था कि हम यूटोपियन सोसाइटी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे पेंटिसोक्रेसी. जिसका नाम रखेंगे पेंटिसोक्रेसी इन विच एवरी वन इज़ इक्वल इन स्टेटस एंड रोल इन द सोसाइटी. जिसमें हर कोई इक्वल होगा स्टेटस में और उनका रोल भी सोसाइटी में इक्वल होगा. बट ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन ट्रैवलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन दे ड्रॉप द आइडिया. और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत के वजह से उन्होंने और ट्रैवलिंग के वजह से बहुत लंबा सफ़र करने के वजह से उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया. एंड आफ्टर कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट कैम्ब्रिज ही वेंट टू जर्मनी. और उनका एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में कैम्ब्रिज में वो जर्मनी गए. उसके बाद में वो रोम गए. देन ही वेंट टू रोम. ही आल्सो स्टार्टेड ए पेपर कॉल फ्रेंड. तो उन्होंने एक पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था फ्रेंड. ओके. तो जिस पेपर का न्यूज़पेपर का नाम था फ्रेंड. ए पेपर डिवोटेड टू ट्रूथ एंड लिबर्टी. तो पेपर डिवोटेड टू ट्रूथ एंड लिबर्टी. लेटर व्हेन ही केम बैक फ्रॉम जर्मनी ही बीफ्रेंडेड वर्ड्सवर्थ विथ होम ही स्टार्टेड लिरिकल बैलेट्स. और फिर जर्मनी से वापस आने के बाद में उनकी दोस्ती हुई विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, जिनके साथ उन्होंने लिरिकल बैलेट्स स्टार्ट किया. एंड लिरिकल बैलेट्स मार्क द बिगनिंग ऑफ, जिसे कहा जाता है मार्क द बिगनिंग ऑफ रोमांटिक एज. जो बोलते हैं कि रोमांटिक एज की शुरुआत का सबसे पहली राइटिंग मानी जाती है. एंड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही सफर्ड फ्रॉम मैनी डिसीजेस. और आखिर में उनकी ज़िंदगी के लास्ट वक्त में उन्होंने काफ़ी बीमारियों ने उनको घेर लिया. एंड ही हैज़ टू टेक ओपियम एज पेन किलर. और उन्हें ओपियम लेना पड़ा एज ए पेन किलर. ओपियम एक ड्रग का नाम है तो वो उन्हें लेनी पड़ती थी. ही आल्सो सफर्ड फ्रॉम ए बाइकोलर डिसऑर्डर. और उन्हें बाइकोलर डिसऑर्डर से भी वो सफर थे. एंड उन्होंने 2 प्रोज वर्क लिखे थे. आपको ये नाम याद रखना है. द फर्स्ट प्रोज वर्क इज़ एड्स टू रिफ्लेक्शन. द नेक्स्ट वन इज़ लेटर्स एंड टेबल टॉक. And he also written Biographia Literaria, and which is a combination of biographic and philosophy. जो combination है biography और philosophy का, उन्होंने Biographia Literaria नाम का work करा था जो हम आगे भी पढ़ेंगे. तो don't worry, ये एक बार आपको उनके life के बारे में बता रहे हैं. And it is divided into several parts. जो Biographia Literaria है वो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंड आउट ऑफ विच फर्स्ट पार्ट टॉक अबाउट कॉलरिज फ्रेंडशिप विद साउथ एंड वर्ड्सवर्थ. तो पहला जो पार्ट है वो
कॉलरिज की दोस्ती के बारे में बताता है सौदे के साथ, रॉबर्ट सौदे के साथ और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ जो उनकी दोस्ती थी उसके बारे में है। तो आप प्लीज़, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, लाइक करा करिए ताकि मोटिवेशन मिलता है और अच्छा काम करने का मन करता है। तो प्लीज़ बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी किया करें और आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और जो लिंक इसका, ये जो PDF है इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी, तो आप तो वहाँ से टेलीग्राम लिंक से आप जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स आउट ऑफ विच फर्स्ट पार्ट किसके बारे में टॉक बताता है, कॉलरिज की दोस्ती जो रॉबर्ट सौदे के साथ थी और वर्ड्सवर्थ के साथ थी। और इन द सेकेंड पार्ट ही इज़ टॉकिंग अबाउट वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। सेकेंड पार्ट में वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के बारे में बात होती है एंड ही सेज दैट ही हैड ए ही हैज़ ए डिफरेंट थियरीज ऑफ पोएट्री। और उन्होंने कहा था कि मेरे पास डिफरेंट थियरीज है पोएट्री की। एंड इन द 13th पार्ट ऑफ द बुक ही टॉक्स अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। तो 13th पार्ट में ही टॉक अबाउट डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। ही हैज़ आल्सो रिटन लेक्चर ऑन एंड नोट्स ऑन शेक्सपियर। तो उन्होंने लेक्चर एंड नोट्स भी लिखे थे शेक्सपियर के ऊपर। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रोमांटिक पोएट एंडेड हिज लाइफ लॉक्ड एंड रेस्पेक्टेड एज सेज ऑफ हाईगेट। सेज ऑफ हाईगेट कौन से ऐसे राइटर थे जिन्हें बोला जाता था? तो आंसर इज कॉल टू कॉलरिज। ये बोला जाता था कॉलरिज को, सैमुअल टेलर कॉलरिज को बोला जाता था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चंस है जो मैंने लास्ट पेपर से ही लिए हैं बच्चों, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। कई बार लास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं, तो हमें हमेशा लास्ट पेपर्स भी ज़रूर ज़रूर करके जाने चाहिए। उनमें से 30-40% हमारा हो जाता है, तो आप ज़रूर डेली के वो भी एक अपना हैबिट बनाइए कि लास्ट पेपर्स उठा के उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओपनिंग लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी ओड क्लोजली रिजेंबल्स कॉलरिज लाइफ, आइडेंटिफाई द कॉलरिज पोएम। कौन सा ऐसा पोएम है जो कॉलरिज की लाइफ को रिजेंबल कर रहा है? तो आंसर इज मैड मॉन्क। आंसर इज मैड मॉन्क। तो फर्स्ट इनका जो पोएम है वो डिस्कस कर लेते हैं, द इओलियन हार्प। द इओलियन हार्प एंड दिस इज ए कन्वर्जेशनल पोएम। ये कन्वर्जेशनल पोएम है विच डिस्कस कॉलरिज एंटिसिपेशन ऑफ मैरिज विथ सारा फ्रिकर। जो सारा फ्रिकर थी उनके साथ उनकी जो एंटिसिपेशन ऑफ मैरिज था उसके बारे में है। एंड हार्प इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच फोकस ऑन नेचर, जो फोकस करता है नेचर के ऊपर, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। एंड इसमें आइडिया ऑफ वन लाइफ इन विच मैन एंड नेचर आर कनेक्टेड, इन विच मैन एंड नेचर आर इंटीमेटली कनेक्टेड। तो इंसान और नेचर जो है वो कनेक्टेड होता है, उसके बारे में है। तो द फर्स्ट वर्क इज़ अबाउट सैमुअल टेलर कॉलरिज, द फर्स्ट वर्क इज़ इओलियन हार्प। तो फर्स्ट वर्क है इओलियन हार्प, सैमुअल टेलर कॉलरिज का फर्स्ट वर्क। द नेक्स्ट वर्क इज़ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। द नेक्स्ट वर्क इज़ फ्रॉस्ट एट मिडनाइट and it was published in 1798, okay? It was published in 1798 and it expressed hope that Coleridge's son Hartley should be taught in the company of nature. तो ये एक होप करते हैं, एक आशा करते हैं कि शायद मेरा बेटा जो हार्टले है वो नेचर की कंपनी में उसे एजुकेशन मिलेगा, उसे पढ़ाया जाएगा। He want his son to be educated by nature. वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है उसको एजुकेशन जो है वो नेचर दे। एंड दिस पोएम हैज़ रिटन व्हेन हिज सन वाज स्लीपिंग इन द क्रैटल, जो झूले में जब वो बच्चा सो रहा था तब उन्होंने ये जो पोएम लिखा था। एंड दिस पोएम इज़ रिटन, आपको याद रखना है, व्हेन हिज सन वाज स्लीपिंग इन द क्रैटल। एंड दिस पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ओपनिंग लाइन्स है इसकी,
only that slim, that flatter on the great, till flatters there are the soul and quiet thing. कई बार फर्स्ट लाइन्स लास्ट लाइन्स पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये एटलीस्ट दिमाग में ये होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन कौन से पोएम की है, किस राइटर ने किसके बारे में बोला है. तो ओपनिंग लाइन्स है इसकी, ओनली दैट स्लिम दैट फ्लैटर्स ऑन द ग्रेट टिल फ्लैटरर्स देर आर द सोल एंड क्वाइट थिंग एंड क्रॉस्ड जो है परफॉर्म एंड सीक्रेट मिनिस्ट्री अनहेल्प्ड बाय एनी विन. तो ये आज हमारा था फ्रस्ट एट मिडनाइट, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट. द नेक्स्ट इज द दिस लाइम ट्री बॉवर माई प्रिजन, दिस लाइम ट्री बॉवर माई प्रिजन. तो द थर्ड वर्क ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज इज एंड इट वॉज पब्लिश इन 1798. इन समर इट वॉज रिटन इन समर बिकॉज ही हैज़ ए प्रॉब्लम इन हिज लैग एंड कॉलरिज नॉट एबल टू एकम्पनी वर्ड्सवर्थ. तो वो उसके साथ नहीं जा पाए वर्ड्सवर्थ एंड साउथी के साथ, उनके साथ कंपनी नहीं बिता पाए टाइम इन देयर टूर, जो उनका टूर था उसके साथ नहीं जा पाए. एंड ही सेट अंडर द लाइम ट्री, और वो लाइम ट्री के नीचे बैठे हुए थे. ही सेज दिस कंडीशन इज़ फिजिकली ट्रबल टॉलरेबल इनटॉलरेबल. तो ये कंडीशन जो है वो बिल्कुल ही इंटॉलरेबल है. आई कैन नॉट मूव फिज़िकली, मैं फिज़िकली मूव नहीं कर पा रहा. बट नॉट ए मेंटल कंडीशन एंड थस मेंटली आई कैन मूव टू सो मैनी प्लेसेस. मैं फिज़िकली तो इधर उधर नहीं जा सकता, लेकिन मैं मेंटली तो कहीं पे भी जा सकता हूँ. तो कहते हैं ना कि दिमाग से हम कहीं पे भी जा सकते हैं. जी करे तो मन में अच्छा फील करो, मन में सोचो कि भाई हाँ हम बिल्कुल ही अच्छी वादियों में है, तो हमारा मन अंदर से खुश हो जाता है. तो ये भी यही कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं फिज़िकली तो ठीक है, फिट नहीं हूँ, मैं नहीं चल सकता, नहीं फिर सकता, लेकिन मैं मेंटली तो कहीं पे भी जा सकता हूँ. अपने दोस्तों के साथ अभी नहीं जा पा रहा, लेकिन मैं मेंटली बहुत सारी प्लेसेस में विज़िट कर सकता हूँ. आल्सो ही इज़ इंजॉइंग द कंपनी ऑफ नेचर, और वो नेचर की कंपनी को इसमें इंजॉय कर रहे हैं. इसमें ही एड्रेसेस टू चार्ल्स लैम, उन्होंने चार्ल्स लैम को भी इसमें एड्रेस किया है. द नेक्स्ट वर्क इज़ द नाइटिंगेल, द नेक्स्ट वर्क इज़ द नाइटिंगेल, ए कन्वर्जेशनल पोएम. दिस इज़ ऑल्सो ए कन्वर्जेशनल पोएम एंड इट वॉज पब्लिश 1798. इट बिगेन विथ मिल्टन एल्पेंसो रोसो. तो ये मिल्टन का जो एल्पेंसो रोसा है उनकी लाइन, सो मिल्टन वॉज सो मच कनेक्टेड टू ग्रीक माइथोलॉजी. इन दिस देर इज़ ऑल्सो ए ग्रीक कैरेक्टर कॉल्ड फिलोमिला. तो जो मिल्टन थे वो काफ़ी कनेक्टेड थे ग्रीक माइथोलॉजी से, वो भी काफ़ी इन्फ्लुएंस थे. तो ये जो उन्होंने कैरेक्टर लिया है फिलोमिला, ये भी उन्हीं से इंस्पायर होके ग्रीक माइथोलॉजी से ग्रीक कैरेक्टर उन्होंने लिया है फिलोमिला. एंड ही कनेक्टेड फिलोमिला टू नाइटिंगेल. तो जो ये फिलोमिला को ये कनेक्टेड किससे कनेक्ट कर रहे हैं, नाइटिंगेल से कनेक्ट कर रहे हैं. एंड देयर इज़ आल्सो रेफरेंस ऑफ चाइल्ड हु क्राई एंड नरेट टेक्स हिम आउट इनटू द नाइट इन ऑर्डर टू मेक हिम हैप्पी. तो एक बच्चा है जो रो रहा है, उसको खुश करने के लिए उसको बाहर की तरफ लेके आए हैं ताकि वो खुश हो जाए. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. एंड आल्सो देयर इज़ ए रेफरेंस ऑफ ए चाइल्ड हु इज़ क्राइंग. तो ये आपको याद रखना है. कल हम करेंगे द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर. आज हमारा इतना ही. तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और जो ये शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नोट्स है, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके ये PDF ले सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव ए ग्रेट डे.